नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सबको सन्मति दे भगवान, गांधी के देश में ये कहना पड़ रहा है। इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, सोचना जरूरी है, ये सवाल पूछना चाहिए कि कौन सी शक्तियां हैं, ये कैसी विचारधारा है, वो कौन से लोग हैं, वो लोग किस राजनीतिक खेमे के साथ नजर आते हैं जो बार बार गांधी के हथियारों को अवतार बताने के लिए चले आते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब गोडसे को देशभक्त बताया गया है। भोपाल से बीजेपी सांसद ने लोकसभा में खुलेआम कहा है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और यही साध्वी प्रज्ञा 16 मई 2019 को भी नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी है। तो पीएम मोदी तब नाराज हुए थे और दिल से माफ नहीं कर पाए थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय में अच्छा खासा पद जरूर दे दिया। वहीं गोडसे प्रेम जब लोकसभा में उमड़ा तो फिर सवाल खड़े हुए और आज इसी विचारधारा पर सवाल उठाते हुए अगले एक घंटे R9 टीवी पर खास बहस होगी। तमाम मेहमान जुड़ेंगे, इस बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि गांधी के देश में गोडसे का आखिर क्या काम और आज के हमारे सवाल क्या हैं, जिस पर हम अपनी बहस को जारी रखेंगे। उस पर नजर डाल लेते हैं। चेतावनी के बाद भी आखिर क्यों नहीं मानती है साध्वी प्रज्ञा, गांधी और गोडसे एक साथ कैसे रहेंगे, तो क्या प्रज्ञा की विचारधारा बीजेपी से अलग है, तो ये आज के सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी डिबेट रहेगी। गोडसे को देशभक्त क्यों मानती है प्रज्ञा ठाकुर, क्या साध्वी प्रज्ञा को पार्टी से बाहर निकालेगी बीजेपी, तो चेतावनी के बाद भी साध्वी प्रज्ञा क्यों नहीं मानती है, तो बापू के हथियारे को देशभक्त बताया और सब कुछ भुलाकर सरकारी इनाम देते हुए साध्वी प्रज्ञा को डिफेंस कमेटी में शामिल किया। हालांकि अब विवाद पड़ने के बाद, दबाव पड़ने के बाद इस कमेटी से उनको निकाल दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि पीएम मोदी की तल्ख टिप्पणी के बावजूद, चेतावनी के बावजूद भी बार बार आकर साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन क्यों करती है, इसी पर हम आज चर्चा को जारी करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि जब इतनी तल्ख टिप्पणी हो जाती है उसके बाद भी पार्टी में क्यों रखा जाता है। यह पहली बार नहीं कि साध्वी प्रज्ञा ने इस तरह से बयानबाजी की हो, लेकिन सवाल यही है कि जब इतनी बयानबाजी पहले ही हो चुकी है, पहले ही इतने विवादित बयान देती रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो उन्हें भोपाल से टिकट भी दिया जाता है, चुनाव भी लड़वाया जाता है, पार्टी में शामिल किया जाता है और एक महत्वपूर्ण पद भी दिया जाता है डिफेंस कमेटी में, लेकिन उसे वापस तो ले लिया गया है। लेकिन क्या अब बाहर का रास्ता दिखाएगी साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता अनुरुद्ध सिंह हमारे साथ हैं और नेता कांग्रेस हरीश भारद्वाज, प्रेम कुमार जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका इस डिबेट में आएंगे, परविंदर सेठी राजनीतिक विश्लेषक, राहुल लाल गांधीवादी विचारक हैं और दीपक शंकर संघ विचारक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अनिरुद्ध जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। इतनी तल्ख टिप्पणी, चेतावनी दी गई, लेकिन बार बार आखिर क्यों महिमा मंडन हो रहा है नाथूराम गोडसे का? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ही, बहुत पहले ही कहा था कि मैं इस बयान को इंडोर्स नहीं करता हूं, ना दिल से मैं माफ करता हूं। उसके बाद स्टैंडिंग जो हमारी कंसल्टेशन कमेटी डिफेंस की थी उसमें से उनको हटा दिया गया। पार्लियामेंट्री जो बोर्ड की जो पार्लियामेंट्री बैठक होनी है लोकसभा के दौरान, उसमें उनको शामिल नहीं किया जाएगा और अनुशासन समिति को ये कड़े फैसले लेने के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, चुने हुए सांसद हैं वो, तो वो क्या लेंगे फैसला वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से राजनाथ जी ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात पे बहस करने की कोई जरूरत है इस पे। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरह से बयानबाजी की हो, लगातार वो इस तरह से बयानबाजी करती आ रही है और उन्होंने ये साफ किया कि नाथूराम गोडसे भक्त देशभक्त हैं और रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब पीएम मोदी ने तल्ख टिप्पणी की और ये भी कहा कि दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, एक महत्वपूर्ण जगह उनको पार्टी में दी गई और अभी तक वो पार्टी में है, हालांकि दबाव के बाद वो महत्वपूर्ण जो जगह दी गई थी रक्षा मंत्रालय की इस कमेटी में, उससे बाहर उनको कर दिया गया है, लेकिन बार बार यही महिमा मंडन, आखिर क्या वजह है कि उनके इस विवादित बयानों के बाद भी वो पार्टी में है इस वक्त अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को इस फर्क को समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन
डिसिप्लिनरी एक्शन है, मतलब के दायरे में आना चाहिए, और कौन सा एक्शन जो है राजनीतिक विचारों की वजह से लिया जाना चाहिए। जी देखिए, जो सवाल ये चीख चीख करके महाराष्ट्र के लिए पूछ रहे हैं कि जब वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे तो शिवसेना तो समर्थन करेगी, कांग्रेस क्या करेगी बताएं, ये बात बीजेपी पूछ रही है, तो वो सवाल उससे मिलता जुलता जो वैचारिक मतभेद वहां है, वो वैचारिक मतभेद उनकी पार्टी के भीतर से उठकर सामने आ रहे हैं और घृणित रूप में सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर आ रहे हैं, जिस बारे में जैसा कि अनुरुद्ध जी ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि वो दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। जब आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे जिस बात को, जिस बात को दिमाग से, फिर क्यों आप स्वीकार किए हुए हैं? और जहां तक बात आती है कि उनको किसी समिति में जगह मिल गई, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर कोई चुन करके आया है, सांसद बना है, तो उसका अधिकार है स्टैंडिंग कमेटी या किसी जगह में उस हासिल होना। उनको तो मंत्री बनने का भी अधिकार है, बीजेपी को मंत्री भी बनाना चाहिए, क्यों उनका हक मारी उनकी कर रहे हैं? तो अगर आप सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकार कर रहे हैं तो बढ़िया से स्वीकार कीजिए ना, बोलिए कि हाँ जो बोल रहे हैं वो सही बोल रही हैं। और अगर आप दिल से माफ नहीं कर सकते तो हटाइए उनको अपनी पार्टी से, हटाइए अपने सांसदी से, क्यों फिर उसको उनको आप बेवजह यही सवाल ये है। ये बड़ा सवाल है जिस वर्ग को एड्रेस करना, ये कोई गाली गलौज नहीं है, कोई कि आपने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया कि आप बैठक में नहीं आएंगे, ये वो बात नहीं है। सैद्धांतिक आधार पर विरोध का सवाल की जरूरत है। राहुल जी, आप गांधी विचारक के तौर पर अपने यहाँ पर राय रखेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे को शराब उन्होंने दिया और कहीं ना कहीं उनकी शहादत को कुकर्म की सजा उन्होंने बताया, अब नाथूराम गोडसे को जैसे वो लगातार बताती रही कि देशभक्त है और रहेंगे, क्या वाकई नाथूराम गोडसे के समर्थकों के अच्छे दिन आ गए? देखिए, नाथूराम गोडसे को ये देश तो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता है। यह देश मूल रूप से यह देश महात्मा गांधी जैसे विचारों को स्वीकार करने वाला देश है। यहाँ पे अब ये देखिए, महात्मा गांधी के जो मूल विचार हैं वो क्या है, वो मूल विचार है साध्य और साधन दोनों की। साध्य तो हर कोई चाहता है, लेकिन साधन की पवित्रता की बात महात्मा गांधी किया करते थे। अब अगर एक सांसद, देखिए राजनीति में हमेशा होता है कि हमेशा हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए जो जीत जाए। अगर उस आवश्यकता के कारण बीजेपी ने ये चीज चुना है, तो फिर जिस जोश खरोश के साथ इस वर्ष 150वीं वर्षगांठ मनाई गई, अब हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा ये 2019 में हम लोग हैं जब गांधी जी का 150वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। ऐसे में राजनीति में इन जैसे लोगों का होना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान तभी कर सकेगी जब वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को पार्टी से बाहर कर दे, क्योंकि उनका पार्टी में रहना, चूंकि अलग अलग बार में कई बार कहा गया कि एक्शन लिए जा रहे हैं, कठोर बयान दिए जा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, कभी कोई बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके सारे बयान देखिए किस तरह के तीर, चुपते हुए तीर के तरह के बयान है। एक हेमंत करकरे जिन्होंने जो शहीद हुए, ऑन कैमरा हम पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जो है कि आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हुए, और उनके बारे में यह टिप्पणी करना कि आप उनको शराब दे दिया गया, किस तरह की सोच है ये? तो क्या गांधी के देश में इस तरह के विचारों को मानेंगे? तो ये एक स्पष्ट निर्णय अब भारतीय जनता पार्टी को लेना पड़ेगा। ये कहना कि जिस तरह से डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहे हैं, ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रेम जी ने बिल्कुल सही कहा, या तो फिर आप स्वीकार ही कर लीजिए कि हम गोडसे जी को हम स्वीकार करते हैं, भगवान है हमारे लिए। गोडसे और गांधी को एक साथ नहीं स्वीकार किया जा सकता कभी भी। देखिए, मेरा तो ये कहना है, हत्या एक हत्या किसी का भी हो वही इतना जघन्य, और उसमें भी राष्ट्रपिता की हत्या, तब तो फिर इसकी जघन्यता भी हजार गुना कई गुना बढ़ जाती है। हत्या को कभी स्वीकार तो नहीं कर सकते हम लोग एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में, तो फिर हथियारों को महिमामंडित करने का ऐसा प्रयास क्यों? बिल्कुल। दीपक जी, आखिर गांधी के देश में गोडसे का क्या काम? देखिए, गोडसे ऐसा तो है नहीं कि गांधी के देश में गोडसे का क्या काम, इस पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा तो है नहीं कि गोडसे कहीं अमेरिका से आए थे। जी, गोडसे इसी देश के वासी थे, उन्होंने एक गलत कृत्य किया, उसके लिए उनको सजा दी गई। तो ये समझने की आवश्यकता है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये एक समझने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, इस देश में जिस व्यक्ति के लिए राष्ट्रपिता कहा जाता है, हम उसी गर्व के साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कि इस देश में एक बहुत बड़ी विचारधारा ऐसी भी है जो भारत माँ को राष्ट्रमाता कहने में, भारत माता कहने में शर्म महसूस करती है। बताइए, भारत माँ को डायन कहने वाले लोग इस राजनीति में, तब हमें शर्म आती है। हम लोग गोडसे पर चर्चा करते हैं, हम लोग संघ को उसके साथ जोड़ते हैं, लोग टिप्पणियां करते हैं। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि संघ की आत्मा में ऐसा है, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की आत्मा में कैसा है? चलिए, इस पर भी आएंगे। फटी हुई जेबें दिखाएं या चुनाव के वक्त पे जनेऊ धारण कर लें, राम राम जपें और उसके बाद राम को भूल जाएं, ऐसा है क्या उनकी विचारधारा में? इसका जवाब तो आप ही, जनता को भ्रमित करना है क्या?
कांग्रेस की विचारधारा में। मैं बता पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से कि उनके मूल में क्या है, उनकी विचारधारा का मूल क्या है, उनके हृदय में कौन सी आत्मावास करती है जो निकल करके कभी कभी आती है? क्या वो जनता को बहकाने जैसी भावना है? क्या वो कैसा भाव है? चलिए हरीश जी को बोलने दीजिए। हरीश जी देखिए, दो मिनट का समय दीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। ये जो भारत देश है, ये अगर हम कहें तो ये देश ऐसा शांति का देश रहा है, विश्वगुरु रहा है, जहाँ पर कि भगवान कृष्ण राम से लेकर के अनेकानेक जैन धर्म, जैन भगवान बुद्ध से लेकर के बहुत सारे ऐसे हमारे देवी देवता से लेकर के बहुत सारे इस देश में जन्म लिए हैं, और इन्होंने पूरी दुनिया को एक दर्शन दिया है, एक जीवन दिया है, जीने की प्रक्रिया सिखाई है। साथ ही साथ ये देश आज़ादी के बाद से महात्मा गांधी का देश, नेहरू का देश, पटेल के देश, जहाँ पर सत्य और अहिंसा की बात की जाती है, उसका देश रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के चंद पिट्ठुओं ने इस देश को आतंकवादियों का देश बना करके रख दिया है। यहाँ पर इस देश के अंदर अगर एक आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि उसका चाल चरित्र और चेहरा, चाल चरित्र क्या बात कर रहे हैं हरीश जी? नहीं नहीं, उस बयान को कोई इंडोर्स नहीं करता, उस बयान को क्लियर बोल दिया गया है। आतंकवाद क्रिएट आपने किया था, हिंदू आतंकवाद किसने क्रिएट किया था? आपका क्रिएट किया है। सहारनपुर से टिकट किसको देते हैं यहाँ कि बूटी बूटी काट डालेंगे? अरे आतंक के दल्ले तो आप बन के बैठे हुए हैं। आप डिबेट को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? डिबेट हो रही थी, मैंने साफ बोला कि उस बयान से इंडोर्स कोई नहीं करता है। आप डिबेट को नहीं नहीं, आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं, आप बोल लीजिए, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ में। आप पाकिस्तान के दलाल आप बने बैठे हुए हैं और डिबेट आप हमको सिखा रहे हैं। साफ बोला गया उनके बयान को इंडोर्स नहीं किया जाता है, कड़ा एक्शन लिया गया, उनको कंसल्टेशन कमेटी से हटाया गया, पार्लियामेंट्री मीटिंग से हटाया गया। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी पूरी बात तो नहीं, बात आप बात कुछ भी बोलेंगे हम बैठ के सुनेंगे आपकी बात। आप बोलने नहीं देंगे मुझे? नहीं, क्यों नहीं बोलने? अगर आप गलत बात बोलेंगे यहाँ पे बैठ के तो मैं भी आपको बोलूंगा कि इटली के दलाल है। आप, मैं अपनी बात रख सकता हूँ या नहीं? गलत बात नहीं रख सकते आप कहीं, आप रोकेंगे बिल्कुल रोका जाएगा। ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है, ये वैचारिक आतंकवाद है। यहाँ पर बात भी मैं रख लेती जाए, वैचारिक आतंकवाद जड़ में आतंकवाद ही छुपा हुआ है। ये आतंकवाद ले बने बैठे ये लोग हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने चाल चरित्र और चेहरे को चाल कर दिया। सहारनपुर में इन्होंने काटने वाले को टिकट, इन्होंने एक आतंकवादी को टिकट दिया, आतंकवादी के आरोपी आरोपी को टिकट दिया और उसको संसद में लेकर आए और आज यहाँ पर आतंकवाद फैलाने की बात भी नहीं करने देना चाहते। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर ये लोग हैं, ये मजबूर करके डिफेंड करने के लिए लोगों को। हरीश जी, अनिरुद्ध जी, फिर बात दोनों इस डिबेट में। हरीश जी, अनिरुद्ध जी, हरीश जी, अनिरुद्ध जी, अभी तो शुरुआत हुई है, क्या आप दोनों ही इस डिबेट में? देखिए, ये वो लोग हैं सिखों के नरसंहार, हरीश जी, आप ये कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है, इस देश के अंदर हिंदू, ये हिंदू परविंदर जी, परविंदर जी, अगर आप नहीं सुन पा रहे हो, परविंदर जी, कितना बड़ा जेनोसाइड 84 में किया, किसने किया था? अनिरुद्ध जी, पार्टी से क्यों बाहर करना चाहते हैं? से लड़ना चाहते हैं अनिरुद्ध जी, वैचारिक हरीश जी, मैं आपकी बात रख रही हूं, हरीश जी, मैं आपकी बात ही रख रही हूं। आप दोनों ही क्या डिबेट में इंडोर्स नहीं किया? अनिरुद्ध जी, उनको कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, ये नहीं होता कि हमने टीवी डिबेट में बैठा एक्शन हो। उनको मेरे आने से पहले, यहाँ बैठने से पहले, आपकी चर्चा शुरू होने से पहले, कल ही उनको इतना बड़ा एक्शन किया गया। क्या डिबेट? देखिए, डिबेट आप करिए, डिबेट में कोई नहीं, आप डिबेट को आतंकवाद और भाजपा क्यों जोड़ रहे हैं? आतंकवाद के दल ये है, आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब एक आतंकवादी के आरोप, अरे एक आतंकवादी का आरोप उनके ऊपर साबित हुआ था, जब टिकट दिया गया, क्या बात कर रहे हैं? फर्जी आतंकवाद का मुकदमा किसने फंसाया? आपने फंसाया था फर्जी आतंकवाद, पहली बार क्यों नहीं सोचा? हरीश जी, आपने 2 मिनट मांगे थे लेकिन आपने 4 मिनट बर्बाद कर दिए, दर्शकों को पता ही नहीं चला आपने क्या कहा। आप 1 मिनट सुनिए, परविंदर जी के पास जाना चाहती हूँ। परविंदर जी, 1 मिनट। हरीश जी, आप तो आतंकवादी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। हरीश जी, सिर्फ आप ही नहीं है इस डिबेट में, और भी बाकी लोग हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं, उनको भी बोलने के लिए बुलाया गया। आपने 2 मिनट नहीं होने दी जा रही है, कोई तर्क नहीं होता। वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं परविंदर जी के पास आ रही हूँ, परविंदर जी से भी ले लेती हूँ उनकी राय। परविंदर जी, पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, सख्त चेतावनी दी गई, तल्ख टिप्पणी हुई, लेकिन उसके
बावजूद भी बार बार जो गोडसे के प्रति साध्वी प्रज्ञा का प्रेम उमड़ रहा है, क्या ये सही है? पार्टी के लिए सही है, उन लोगों के लिए सही है, माहौल खराब नहीं होता है जो संसद के अंदर भी दिखा, संसद के बाहर तक भी अभी जा रही है? हालांकि भी अनिरुद्ध जी का कहना है कि एक्शन ले लिया है, क्या इस एक्शन भर से चीजें ठीक हो जाती हैं? देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये सभी के लिए हैं। जब वो आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देते हैं तो उनको सहना भी पड़ता है। और एक साध्वी प्रज्ञा की स्टेटमेंट पूरी पार्टी की स्टेटमेंट नहीं मानी जा सकती, उसका खंडन भी किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इस देश की आजादी में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उसके अंदर महात्मा गांधी जी की एक अहम भूमिका थी और नेशन बिल्डिंग में भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। उनका जिसने मर्डर करा है उसको हीरो बनाने की जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं उनसे हटाकर कभी वीर सावरकर कभी गोडसे की बात करी जाए, दोनों ही पार्टियों को आत्ममंथन की जरूरत है। जैसे अभी अनिरुद्ध जी ने कहा 1984 के जितने भी कल्प्रिट थे उन सबको शेल्टर दिया गया, चाहे टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, चाहे अजकल भगत हो, चाहे कमलनाथ हो, उनके ऊपर इतने संगीन मामले हैं, उनको किसी स्टेट का सीएम बना दिया जाता है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया है वो काफी नहीं है, मैं ये समझता हूँ वो काफी नहीं है, उसके लिए उनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और जो देश में इतने सारे मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा है, चाहे बेकारी का है, चाहे किसानों का है, चाहे हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, उनसे भटककर जो लोग नहीं है, जो 40 50 60 साल पहले थे, उनके ऊपर हम डिबेट करके अपना समय और टीवी डिबेट का समय खराब कर रहे हैं। मुझे चाहिए कि जो ऐसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें मूलभूत मुद्दों के ऊपर डिबेट करनी चाहिए। अनिरुद्ध जी, दोनों ही पार्टियों को मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन। यहाँ पर आपने सुना होगा परविंदर जी की बात को कि माना जा सकता है कि एक व्यक्ति की राय पूरी पार्टी की राय नहीं हो सकती है, विचारधारा से अलग है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि एक्शन ले लिया आपके इस डिबेट में आने से पहले ही, एक बड़ा एक्शन, क्या इस बड़े एक्शन से ये साबित हो जाता है कि पार्टी बिल्कुल अलग है? क्या उनका पार्टी में सही, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकता? ये समाधान नहीं है। देखिए, सेठी जी ने बड़ा संतुलित विचार यहाँ पे रखा जी कि लोगों को सोचना चाहिए, और पार्टी का विचार उनका विचार बिल्कुल नहीं है। अब मैं कुछ बोल के जाऊं और कहूं मैं भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं कर दिया जाता सर? एक मिनट सुन लीजिए। एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है जी। एक लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी भी अगर कांग्रेस में किसी को बाहर करेगी या बसपा सपा भी किसी को बाहर करेगी तो एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी होती है और पार्टी जो होती है सरकार चला रही होती है, सरकार के पक्ष विपक्ष में बैठती है, चुनाव लड़ती है। ठीक है, तो कहीं किसी को ये मौका ना दिया जाए कि नहीं वो कल को कुछ कहे तो उसमें उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया गया। ये भी कहा गया मैडम, ये भी कहा गया कि अभी देखिए, ये भी उनसे कहा गया कि सख्त एक्शन लिया गया कि उनको कंसल्टेशन कमेटी, हालांकि कंसल्टेशन कमेटी स्टैंडिंग कमेटी दो कमेटी जिसमें जो भी राज्यसभा लोकसभा के सांसद पक्ष विपक्ष किसी भी दल के हैं उस कमेटीज में मेंबर्स होते हैं वो अनिवार्य होता, कोई इस कमेटी में होता कोई उस कमेटी में होता है, लेकिन उनको उस कमेटी से हटा दिया गया। पार्लियामेंट्री जो बैठक होगी पार्लियामेंट, यही एक बड़ा सवाल मैडम, ऐसे नहीं होता, शामिल क्यों किया गया, उनका अधिकार होता है जी, नहीं ऐसे नहीं होता है, ये हमारे आपके कहने से संविधान नहीं चलता है। नहीं नहीं, संविधान हमारे आपके कहने से नहीं चलता कि किसी को शामिल क्यों किया गया, कैसे शामिल, शामिल तो असदुद्दीन ओवैसी को भी किया गया जो कहते 15 मिनट हटा दीजिए, इससे कहने संविधान नहीं चलता है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, पक्ष उसमें कांग्रेस के भी लोग होंगे, भाजपा, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया के तहत होता है, वही मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो प्रक्रिया आखिर है क्या, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि प्रज्ञा का इस तरह से गोडसे के प्रति प्रेम छलका हो, लेकिन समाधान यहाँ पर एक ही है कि मैं कह रहा हूँ कि उस एक्शन के और भी कहा गया कि और कड़ा एक्शन लिया जाएगा, अनुशासन समिति बनी हुई है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बार फिर से गोडसे प्रेम जागा है, और जैसे ही ये प्रेम छलका उसके बाद घमासान मच गया है, प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है, कोई कह रहा है विचारधारा अलग है तो पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता, तो कोई कह रहा है कि जब इस तरह के विवादित बयान शुरू से ही दिए जा रहे हैं तो सरकारी इनाम के तौर पर डिफेंस कमेटी में जगह क्यों दी जाती है, अब बाहर तो निकाल लिया गया है लेकिन ये विवाद कहां जाकर थमेगा और किस तरह का एक्शन यहां पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से लिया जा सकता है कि क्या उनको पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम चर्चा को जारी रखते हैं। अनिरुद्ध जी, आप ये कह रहे थे कि एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, उसी के तहत ही बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये पहली बार नहीं है, इस चीज से आप इत्तेफाक रखेंगे, पहली बार नहीं है कि इस तरह से उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा हो, वो शुरू से लेकर अभी तक इसी का महिमा मंडन करती आ रही है, यही प्रेम छलकाती नजर आ रही है, आखिर इस प्रॉपर प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा?
क्या कितना वक्त लगता है? मैं कह रहा हूँ वो समझना चाहती हूँ सेकंड मीटिंग का जी, उसके बाद में इतनी त्वरित एक्शन होता है कि कंसल्टेशन कमेटी से हटा दिया जाता है। लिया क्यों था सर? मैडम ऐसे नहीं होता, लिया क्यों था? वो संवैधानिक प्रक्रिया है, वो हम मना नहीं कर सकते हैं कि आप पार्टी भाजपा मना कर देगी, वो कांग्रेस के भी लोग उसमें होते हैं। और मैं ऐसी कमेटी का नाम बताऊं कि नेशनल हेराल्ड केस का राहुल गांधी पे चल रहा है, वो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी में थे, वो अधिकार था, सुन लीजिए मैडम, वो अधिकार है राहुल गांधी का, वो पार्लियामेंटेरियन है, वो ऐसे नहीं है कि हमारे कहने किसी कहने हटा दिए जाएंगे वो हो जाएगा। कंसल्टेशन कमेटी में चुने हुए जो जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे वो लोकसभा से आए चाहे वो राज्यसभा से आए, उस कंसल्टेशन कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, दो कमेटी, तो दोनों में रिप्रेजेंटेशन उनका होता है। अब उसमें से कौन किस कमेटी में, उनको हटाया गया उस कमेटी से, हटाने के बाद में उनको पार्लियामेंट की जो भी बैठक होगी, टाइम की बर्बादी है ना सर, जब पहले से वादित बयान वो दे रही हैं, उसमें से इंडोर्स उनको नहीं किया गया, उनके बयान को नहीं किया गया। बातों में बातों को विरोधाभास है। राहुल जी बताइए, मैं कह रहा हूँ कि देखिए प्रथम वाक्य में ये कह रहे हैं कि त्वरित एक्शन लेते हुए उन्हें हटा दिया गया, फिर द्वितीय वाक्य में ये कह रहे हैं कि उनको हटाना उनका संवैधानिक अधिकार था, उनको लगाना संवैधानिक अधिकार। मैं ये कह रहा हूं कि उनको सबसे पहले सिलेक्शन आप गलत बोल रहे हैं, समझिए आप इसको गलत सांसद होने के नाते, दीपक जी सांसद होने के नाते वो अधिकार अभी भी है, तब उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं भाई साहब, अरे आप सांसद बन के जाएंगे, आप भी किसी कंसल्टेशन कमेटी में हो जाए, भले आप मोदी जी को गाली मार दे, जिस समय आप वहाँ होंगे किसी कमेटी में, जिस समय उनकी नियुक्ति की गई थी तब भी हम लोगों ने इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप नियुक्ति कर सकते हैं, आप किसी को हटा सकते हैं, नियुक्ति रोक नहीं सकते हैं, आप संविधान को समझिए, आप किसी की नियुक्ति नहीं रोक सकते हैं। राहुल जी को सुन लेते हैं, गलत बोल रहे राहुल जी, अरे भाई सुन तो लीजिए, गलत सही आप क्या नहीं कर सकते, गलत सही तब वहाँ पे गलत सही तय करने का काम तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का है ना, आप यही है कि कल को सर्वोच्च न्यायालय चली जाएंगे तो यही सर्वोच्च न्यायालय कहेगा अभिव्यक्ति की आजादी हो। सुन लीजिए जरा सा, सुन लीजिए, मैं ये चीज कह रहा हूँ, पर एक सेकंड जी, देखिए जिस समय से इनका चुनाव प्रचार चल रहा है उसी समय से इनके जो है कि बयान ऐसा तो नहीं कि कल उन्होंने कोई नया सा बयान दिया है, उनके बयानबाजी अब तो ये है कि आज उन्होंने ये घटनाक्रम किया तो हम ये इसके ऊपर ये एक्शन ले लिए। देखिए इन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान हेमंत करकरे का बयान कर दिया गया था, चुनाव प्रचार के दरमियान ही बयान दिया गया था, वोटी वोटी कर देंगे वो भी सांसद अनिरुद्ध जी, आप ऑनलाइन में रहे किसी को बोलने का, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनके ऊपर अभिव्यक्ति, उसको कौन जायज ठहरा रहा है ये तो बताइए सर, गलत क्यों नहीं चिल्ला के पूछते, फिर मैं पूछता हूं आप क्यों नहीं पूछते चिल्ला के क्यों रखा गया है। भारतीय राजनीति को अगर स्वच्छ करना साफ करना गांधीवादी उसका रास्ता है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, उससे सपा बसपा आरजेडी से नहीं, आप क्यों नहीं चिल्ला के पूछते, बिल्कुल पूछता हूं, आप पूछिए उसका भी प्रश्न उठाइए, आप उनसे भी पूछिए इकोनॉमिक अफेयर कमेटी में नेशनल हेराल्ड के केसेस चल रहे हैं, बेल पे क्यों रखा जाता है, पूछिए उनसे। राजनीति में नैतिकता का ह्रास हो रहा है, नैतिकता का ह्रास किसने किया, दोनों पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, कांग्रेस भी दोषी है, केवल एक पक्ष की बात नहीं, एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दोनों पक्षों की बात कर रहा है। मुझे 1994 का दंगा याद है, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग केवल एक पक्ष को देखते हैं, मेरे लिए 2002 का दंगा भी खतरनाक है, 1983 का दंगा भी। चलिए हरीश जी आप बस कहना चाहते हैं, आप बताइए, आप एक पक्ष को देख रहे हैं राहुल जी, चलिए दीपक जी, चलिए राहुल जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, राहुल जी अनिरुद्ध जी आपके पास आएंगे आपको वक्त मिलेगा, चलिए राहुल जी जल्दी फटाफट से, मैं फिर हरीश जी, ये प्रक्रिया आज अचानक से शुरू नहीं हुई है, वो चुनाव प्रचार से लगातार उनके बयान जारी है, वो कह रहे हैं कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ही झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं, एक तरह से वो प्रतीकात्मक ही सही है, जो भी देश और दूसरी तरफ वो ही कह देती है कि मैं नहीं करूंगी, वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि मुझे, मैं सांसद नहीं बनी हूँ नाले के सफाई करने के लिए, यही तो सवाल है, वो भी गांधी के भावनाओं के विरुद्ध था, हरीश जी उनका पहला बयान नहीं है, ऐसे में इस रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अनावश्यक ही उनका बोझ सहन कर रही है। देखिए महात्मा गांधी का जो विचार था जी, वो विचार था सत्य प्रेम और अहिंसा का, और वही विचार उन्होंने पूरी दुनिया को दिया था, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी शालीनता के साथ ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक आतंकवादी थी, जो आतंकवादी से ये बात पे आतंकवाद आप ही के पास आएंगे इस सवाल के साथ, आप ही के पास आएंगे, आप सुन लीजिए पूरा बात को, सुन लीजिए, बयानबाजी कर रहे हैं यही, जो आप गलत कर दीजिए, आप आतंकवादी नहीं, पहले प्रूफ करें, लाके दिखाएं, नहीं पहले प्रूफ करें आतंकवादी, अगर आप ये करेक्टनेस यहां नहीं गलत, आप कैसे गलत बोलने दे रही हैं, आप गलत बोल के आप देखिए यहां पे वैचारिक बातें हो रही हैं, उनका बयान कोई इंडोर्स नहीं कर रहा, बयान सुन लीजिए, नहीं आतंकवादी नाथूराम गोडसे को पूरा बयान सुन लीजिए, पूरा बयान सुन लीजिए, सब करिए मैडम, आप कह रहे हैं इंजस्टिस हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रज्ञा ठाकुर के अंदर
ऐसी कौन सी खूबी थी जिसके आधार पर, ऐसी कौन सी योग्यता थी जिसके आधार पर आपने टिकट दिया? सिर्फ यही योग्यता थी ना, उसने एक नरसंहार में उसका संलिप्तता थी पूछने का, बिल्कुल उसकी संलिप्तता थी, संलिप्तता थी जिसकी की जांच चल रही है, जिसका अदालत में विचाराधीन है। एक सिर्फ यही संलिप्तता थी उसकी, उसके अंदर एक ही योग्यता थी कि उसने मुसलमानों के नरसंहार के लिए, हिंदुओं के प्रतीकात्मक विरोध के लिए उसने एक मुसलमानों के नरसंहार में उसकी भूमिका थी, जिसकी जांच चल रही है अदालत में, जांच चल रही है। इसी योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, उस कानून के ऊपर कानून किसने लगाया था? इसी योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था या कोई और योग्यता थी? बताइए, छोड़ा किसने था? आप बताइए, वो हेमंत कर्कर ने टॉर्चर किया था। हरीश जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन एक एक करके बात रखिए, कुछ समझ नहीं आता है सर। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जिस के पास जाओ, मसूद को टिकट क्यों दिया जिसने वोटी वोट बताई है? आप बात की आज, आज ने राहुल गांधी को क्यों दिया जिसने हरार केस में बेल है? हरीश जी, एक ही पार्टी की हालत नहीं है, लगभग लगभग सभी पार्टी की। अनिरुद्ध जी और हरीश जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, उसको क्या योग्यता के आधार पर आपने योग्यता राहुल गांधी को बता दो, यही कि वो आतंकवाद की, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थी, जिसकी जांच चल रही है, इसी योग्यता पर तो भारतीय जनता पार्टी का दिया जी। आपका सवाल हो गया है, कंप्लीट हो गया, जवाब लेंगे अनिरुद्ध जी से, लेकिन उससे पहले जवाब दें, बिल्कुल लेंगे। अंदर क्या योग्यता थी? तो मौका तो दीजिए सर, अधीर रंजन के अंदर क्यों? अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, आज रेडी बेल पे है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उससे खुद प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछा हूं एक आपसे, आप बताइए ना, मसूद को टिकट दिया सहारनपुर से, ये जो क्यों दिया, ये जो प्रज्ञा चाहिए, हरीश जी आपने सवाल कर लिया है, हरीश जी आपने सवाल कर लिया है, बताइए आंसर नहीं है, हरीश जी आपने भाजपा ने टिकट तीन इंटेलेक्चुअल बैठे आप उन्हीं से प्रश्न करिए, हरीश जी आपने सवाल कर लिया है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, मिलेगा, आप रुकिए प्रेम कुमार जी, ठीक है अनिरुद्ध जी एक मिनट रुक जाइए, प्रेम कुमार जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, कोई कह रहा है दूसरे पार्टी के नाम गिना रहा है, हरीश जी उनकी पार्टी के नाम गिना रहे हैं, लेकिन ये कोई, एक मिनट हरीश जी, मैं प्रेम कुमार जी से पूछ रही हूँ, मैं प्रेम कुमार जी से सवाल कर रही हूँ, सिर्फ एक योग्यता, तो प्लीज मेरे को आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिससे सवाल किया जाए, जिससे पार्टी यही रहा है, इनके आपत्ति है, दूध का दूध कैसे कह सकते हैं, दूध का हिंदू आतंकवाद क्रिएट करने वाले ये लोग थे, पाकिस्तान में पकड़े हुए आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा, कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को बरी किया, तो महिला को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, कोई इंडोर्स नहीं करता, आरोप लगाएंगे वो दिक्कत है, इनके लिए गांधी कोई विचार नहीं है, नफरत के सौदागर, सवाल इतना लंबा हो गया कि सवाल पे सवाल, सवाल नफरत हिंसा के सौदागर दीजिए ना प्रेम कुमार जी, ये एक पार्टी की हालत नहीं है, जिस भी पार्टी को देख लीजिए हालत सेम ही दिखती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम लोग जिस विषय पर बात करने बैठे हैं वहाँ पर फोकस हो ज़्यादा बेहतर है। देखिए अभी जो भी वाद विवाद हो रहा है उसमें निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अगर आतंकवाद का प्रमाणित व्यक्ति नहीं है तो उसको आतंकवादी नहीं बोला जाना चाहिए, तो साध्वी हाँ ये है, इस जब बोला जाएगा तो निश्चित रूप से आपत्ति भी होगी। साध्वी प्रज्ञा एक आरोपी रही, एक आतंकवाद का आरोप उन पर रहा जो अभी भी है, लेकिन नहीं वो अभी अदालती प्रक्रिया में एक जगह भरी है, आरोप है, आपको चुनौती देना, आप आगे चुनौती देते रहिए, अगर उस रूप में भी बोल सकते हैं आगे, लेकिन आतंकवादी हठात बोल देना तो उचित नहीं लगता, खास करके तब जबकि एक पार्टी उसको इंडोर्स कर रही है, स्वीकार कर रही है और वैचारिक आधार पर स्वीकार कर रही है। हमें चुनौती देना चाहिए या गलत या सही या आईना दिखाना चाहिए, तो इस बात के लिए दिखाना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा को आपने जिस वजह से स्वीकार किया, साध्वी प्रज्ञा खुद बीजेपी की लाइन को स्वीकार नहीं कर रही है, अगर बीजेपी नहीं मानती कि नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन होना चाहिए तो साध्वी प्रज्ञा लगातार उसका उल्लंघन कर रही है, तो प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ इसकी दंडात्मक कार्रवाई केवल संसदीय समिति से हटाना होना चाहिए? संसदीय समिति तो कोई भी संसद में जाता है उसमें उसको जो प्रक्रिया के तहत उसमें सदस्य बन सकता है, उसमें शामिल हो सकता है, उसको उस अगर उन्होंने वाकई संसदीय परंपरा का को नुकसान पहुंचाया है तब तो स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन संसद के भीतर में हम भी जानते हैं कि राजनीतिक बातें रखने का सबको अधिकार है और हम कुछ भी करें, इवन गोली भी मार दें एक दूसरे को तो फैसला जो है बाहर की अदालत नहीं करती है, स्पीकर ही करते हैं, ये अंदर में अधिकार है सदस्यों को, विशेषाधिकार है, तो उस विशेषाधिकार के तहत वहां पर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये विशेषाधिकार
का मामला नहीं था, यह मामला था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच को यह नहीं मान रही है, इसलिए बीजेपी एक्ट को एक्शन लेना चाहिए, उनको राजनीतिक एक्शन लेना चाहिए, उनको मेंबरशिप निलंबित करनी चाहिए या कुछ दिन के लिए शोकाउस दे के पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रही है हमारी पार्टी के लाइन से बाहर जाके। इसके बजाय वो संसद के भीतर संसदीय समिति से हटा रहे, तो मुझे लगता नहीं कि ये उचित दंडात्मक कार्रवाई है। चलिए अनिरुद्ध जी, मुझे ये बताइए, ये समझाइए कि श्राप देने मारक शक्ति का इजहार किया गया हेमंत करकरे के लिए, अब नाथूराम गोडसे को लगातार देशभक्त बता ही रही हैं, क्या यही काबिलियत है या यही खूबियां हैं जिसके आधार पर पार्टी में रखा गया है साध्वी प्रज्ञा को? हालांकि अब कह रहे हैं कि आप एक्शन लेने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप जेल। हाँ, मैं 10 सेकंड में क्लियर करता हूं। जी देखिए, मैं अपने कांग्रेस के मित्र से यहाँ भड़कने के लिए नहीं बैठा जी, बिल्कुल दोनों लड़ाई करें। हाँ, देखिए, कि बस सिर्फ सिंपल से ये थी, ये जो भाषा का उपयोग कर रहे थे मेरी उस पर आपत्ति थी। प्रेम जी ने सही कहा, ठीक है कि हम लोग नाथूराम गोडसे के ऊपर दिए गए बयान का इंडोर्स नहीं करते हैं प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ में। उनके खिलाफ क्या हुआ कि जो शो कॉज नोटिस जारी करना था वो शो कॉज नोटिस भी जारी किया जा चुका है, उनको पार्लियामेंट्री बैठक में भाग न लेने के लिए बोल दिया गया कि आप पार्लियामेंट्री बैठक जितने दिन चलेगी आप भाग नहीं ले सकती हैं, उनको स्टैंडिंग जो कंसल्टेशन कमेटी थी उसमें से हटाया जा चुका है, बाकी अनुशासन समिति को दे दिया गया है, एक दिन का इंतजार करिए, बहुत कड़ी कोई अच्छा एक्शन उस पे होगा। बस मेरी आपत्ति जो थी उस शब्द पे आपत्ति थी। लेकिन एक ठीक है, आपकी आपत्ति समझ गए हरीश जी, ये गलत है और आपने प्रेम कुमार जी को भी सुना होगा। एक आतंकवादी को देशभक्त कहेगा और जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है उसको आतंकवादी, आप फिर हिंदू आतंकवादी राहुल गांधी सोनिया गांधी उनको टिकट मिलना चाहिए, अरे उनको तो देश छोड़ देना चाहिए। आतंकवादी लेटर की बात करते हैं, देशभक्त है वो भारत की आतंकवादी है, भारत की आतंकवादी चौधरी हुए और आपके बयान को इंडोर्स करते हैं। दीपक जी, आपने दीपक जी जिस तरह पूछना चाहता हूं हरीश जी, जम्मू कश्मीर में पलने वाले आपकी रोटियों पर पलने वाले जो आतंकवादी हैं और जो देश को तोड़ने वाले हैं, जो अलगाववाद की नीति अपनाने वाले हैं, वो लोग आपकी नजर में आतंकवादी नहीं है क्या? से भटकाइए मत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे विचारों को अगर बोल दूंगा ना तो यहाँ पर आपको जवाब देने भारी हो जाएंगे। आप मुद्दे पर आइए, एक आतंकवादी का साथ है ना, आप उसे कहिए ना, आप बताइए सभी इस बात को सहमत है, आप नाथूराम गोडसे के साथ हो, बाकी लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादियों के साथ है, बोलिए राहुल गांधी को आरोपी आप बताइए, देखिए नहीं करते जो प्रज्ञा ठाकुर के बयानों से सहमत है संघ, जिस मुद्दे पे हो रहा है हम लोग उसी पे प्रज्ञा ठाकुर के बयानों से सहमत है संघ, आप बताइए यही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बातों के जरिए पूरी डिबेट को भटकाने की कोशिश हो रही है। अपनी कमियों प्रज्ञा ठाकुर के बयान से सहमत हो तो तुमको निकालते क्यों? केवल इतना प्रयोग किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार रखिए, आजादी के बाद ठाकुर के बयानों पर नेहरू ने सत्ता में रहने के लिए गांधी जी का केवल सर नेहरू जी को बीच में मत लाइए क्योंकि यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है। परविंदर जी, परविंदर जी, हरीश जी आप बातों को अलग ले जाते हैं, अलग दिशा में ले जाते हैं, आप प्रज्ञा ठाकुर पे आइए ना, आप क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि माहौल बिगड़ जाए, ये माहौल संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। नेहरू जी कश्मीर निकालने में व्यस्त थे, कश्मीर पे चर्चा करेंगे तो फिर कश्मीर की बात करेंगे ना, अभी हम लोगों ने काफी चर्चा की है ठाकुर के बयान को लेकर। देखिए हरीश जी, देखिए आप तक बात क्यों नहीं है, अरे साधु आप सब पूरी बात सही बात प्रज्ञा के ठाकुर के ऊपर बयान से ये डिबेट जो है साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर हो रही है, वही कहना चाह रहे हैं कि क्यों विषय को बताया जा रहा है साध्वी के भीतर, आपको एक साध्वी के भीतर आतंकवादी नजर आता है क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, बिल्कुल देखिए वो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा ये संघ का बयान है, आप साथ हो प्रज्ञा ठाकुर के बयान के साथ हो, मैं समझता दर्शकों को नहीं समझ में आते हैं, परिभाषित नहीं करता, ठीक है मानते हैं इस चीज को हरीश जी, समझना पड़ेगा, ऐसे आतंकवादी ऐसी चीजों को मत लाइए, डिबेट का मुद्दा ये नहीं है, डिबेट का मुद्दा है कि प्रज्ञा ठाकुर ने गलत कहा है तो उसको गलत मानकर क्यों अगर एक व्यक्ति दीपक जी प्लीज
परविंदर जी बोल रहे हैं, परविंदर जी बोल रहे हैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। परविंदर जी बोल रहे हैं, पहले ही कह रहे हैं परविंदर जी। लेकिन आज डिबेट का फोरम नहीं है, जब एक व्यक्ति बोले तो दूसरा ना बोले बीच में, इसका मतलब ये होता ही नहीं है सर। ये यहाँ समझने को तैयार नहीं है तो बाहर कैसे समझेंगे? परिभाषित करेंगे, देखिए आइए ना, अलगाववादियों को आतंकवादी क्यों नहीं कहते? लेकिन कहाँ चले जा रहे हैं दीपक जी? देखो उन्होंने जिसका नाम ले रहे हैं प्लीज उसको बोलने दीजिए। और परविंदर जी बीजेपी, चलिए बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि दूसरी पार्टी के नेता भी हैं जो बेल पर हैं, और फिर साध्वी प्रज्ञा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए मैं आपको दो बातें जो भाई साहब ने कही उनको बताना चाहता हूँ। किसी भी सरकार ने जो लोकसभा के सांसद के जो चुनाव के लिए कोई भी बेसिक क्वालिफिकेशन तय नहीं की है, और ये भी नहीं तय किया कि कोई आपराधिक छवि से आता है तो उसको टिकट ना दी जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा को टिकट इसलिए दी गई कि उनके साथ कोई गलत तरीके से उनके साथ हुआ, उसके सेंसिटिव मुद्दे को देखते हुए उन्होंने दी। जब 130 करोड़ लोगों के बीच में किसी को टिकट दी जाती है, देखिए अगर मान लीजिए आपको टिकट दी, आप कल को उठ के कोई बात बोल दें तो आपके अंदर तो कोई गुस्सा नहीं हुआ। जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा, मैं उसकी बड़े कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और इसका आपको सबसे बड़ा वो कहां मिलेगा? जब उनके उनके शब्दों को प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया, जब देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का इतना बड़ा व्यक्ति उनकी बातों का खंडन करता है, और उनके ऊपर इमीडिएटली छोटे छोटे एक्शन हुए, और मैं समझता हूं कि आगे जाकर उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन भी होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो 1984 के कमलनाथ थे, आपने उनको सीएम बनाया, उनको शेल्टर दिया, उनके केस नहीं होने दिए, उसके लिए आपने क्या किया? क्या आप अपनी पार्टी से पूछेंगे कि जगदीश टाइटलर जिसके ऊपर हम केस कर रहे हैं, हमारे ऊपर केस हो रहे हैं? उसके ऊपर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने माफी मांगी है, हमारे सारे और जो आरोपी 84 के दंगे की बहस नहीं हो रही है, आज हो रही है प्रज्ञा ठाकुर के बयान के ऊपर। देखिये बिल्कुल बहुत गलत, आप देखिए निश्चित तौर पर गलत घटना हुई थी, गलत घटना हुई है, और लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा, जनरेशन चेंज हो गई है सर। आज सुन लीजिए पहले मेरी बात, आज का मुद्दा प्रज्ञा ठाकुर सर है। मैं आपकी दो मिनट की बात खत्म कर देता हूं कि मैं उस बात पे नहीं जा रहा, अभी जनरेशन चेंज हो गई है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जो उसके आरोपी हैं उनको शेल्टर क्यों दिया जा रहा है। सिर्फ मैं राहुल गांधी को नहीं दोषी दे रहा कि राहुल गांधी ने करवाया, मेरी शिकायत इतनी है जो दोषी है उनको आप बड़ी बड़ी पोजीशन दे रहे हैं। जगदीश टाइटलर हो गया, कमलनाथ को आप सीएम बना रहे हैं, आप अपनी छवि क्लियर क्यों नहीं करते? सेठी साहब मुझे नहीं लगता कमलनाथ के ऊपर आज तक कोई आरोप है। बिल्कुल आरोप है सर, एसआईटी का गठन हो चुका है, अदालत 4000 लोगों का। लेकिन ये मुद्दा आज प्रज्ञा ठाकुर का है सेठी साहब, मैं अपनी भावनाओं का, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट करता हूं। आज 4000 लोगों का मॉब लेके कमलनाथ, ये जो डिबेट है, उन्होंने दो लोगों की आज जलाकर हत्या की, 84 के दंगों के ऊपर डिबेट होनी है क्या? सर आपने जब आतंकवादी यहाँ पर नाम लिया तब उस पर डिबेट है, मैं पूरा डाटा लेकर काउंटर कर रहा हूँ, दंगा वो जनसाइड हुआ है। ठीक है राहुल जी को गुजरात के दंगों के ऊपर भी बोल दीजिए फिर, राहुल जी से बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से लोगों को मारा गया, गुजरात के दंगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, गुजरात के दंगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सर। परमिंदर जी के सवालों का जवाब मिलेगा ना, उनके सवालों का जवाब मिलेगा। इसका कारण यही है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के नाम जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको आत्मसातीकरण का प्रक्रिया किसी ने नहीं किया है, उनके नाम को प्रयोग करने की प्रक्रिया चल रही है। और देश की दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यही है, ये दोनों चीजें यही कर रही हैं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्या सर, चाहे गुजरात दंगों के आरोपी हो, चाहे 1984 का जिनोसाइड जिसके बारे में परमिंदर जी सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों के हम लोग देखते हैं कि कोई जवाब नहीं मिल पाते। मैं आपको तो गुजरात के दंगों में बहुत सारे लोगों को सजा हुई है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, कई लोग ने फिर भी पूछे हुए हैं, मैं आपको डाटा देता हूं, मैं गुजरात के दंगों में बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं। परमिंदर जी चलिए, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जो पार्टी के नेता बैठे हैं वो अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, और जो दूसरे बैठे हैं वो बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि हमको इस तरह के मामले, जो भी सारी चीजें बन रही हैं,
इन दंगों के ऊपर बहस नहीं है, बहस शायद उसके ऊपर हो रही है। आप ये दिशा में भटका दिया आपने। बहस ये किया जा रहा है कि आखिर इस देश में राजनीति में सुचिता कब आएगी, चाहे वो महाराष्ट्र का प्रकरण हो, कर्नाटक का प्रकरण या कुछ भी हो, जनादेश कुछ भी आता है, कुछ भी हो जाता है। देखिए, इन सब का समाधान गांधी के मूल्यों में ही मिलेगा। जब तक पार्टियां राजनीतिक सुचिता को अपने अंदर नहीं लाएंगी, इसका समाधान नहीं मिलेगा। सेट्टी जी सवाल पूछते रहेंगे, सेट्टी जी के सवालों का जवाब भी नहीं मिलेगा, किसी दूसरे पीड़ित के भी सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संविधान को तो मानती नहीं। इनका तो नागपुर से संविधान चलता है। दूसरी बात, जहां जहां तक सभ्यता जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग लगा देते हैं, ये देश में आग लगाने का काम करते हैं, देश में हिंसा कराने का, देश में तरह तरह की डेमोक्रेसी पैदा करने का, भारत को भाई से लड़ाने का, यही इनका एक नियम है, यही इनका एक प्रिंसिपल है। ये गांधीवादी नहीं है, ये गांधीवादी नहीं है, दरअसल ये गौडसेवादी लोग हैं, ये गौडसे के विचारधारा के लोग हैं। इनका प्रिंसिपल गौडसे से ही शुरू हुआ है और आज इनका मुखौटा उतर गया है, ये आज इनका मुखौटा उतर चुका है। वो उसी विचारधारा से प्रभावित है। आपने सुना होगा, राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर कहा कि वो इस विचारधारा से बिल्कुल किनारा करते हैं और पार्टी नेताओं, यही बात हो रही है कि एक इंसान गांधी की हत्या में, देखिए आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था भाई, सभी सहमत नहीं हो सकते, पूरी पार्टी बदनाम है। अनुरोध जी, और उसी के विचार से प्रेरित था वो, 20 जनवरी को उसी विचार से प्रेरित था, इसी के आधार पर उन्होंने हत्या की है। ये गांधी को मानने वाले लोग हैं, ये हिंसा के पोषक हैं, ये हिंसा करना चाहते हैं। देश में हिंसा हो, समाज में हिंसा हो, लोगों में वैमनस्यता हो, झगड़े हो, आप किसी प्रकार से घृणा फैले, ये इसी के लिए ये हिंदुस्तान में पैदा हुए। ठीक है हरीश जी, आपकी बात कंप्लीट होगी। अनुरोध जी से पास चलते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पास है। क्योंकि अनुरोध जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक्शन होगा, आगे जो है बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ये तो वक्त बताएगा क्या एक्शन आपकी पार्टी लेती है। लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी हैं, केस चल रहा है, जमानत पर है, पीएम मोदी ने भी तल्क टिप्पणी की, साफ शब्दों में समझाया गया। टिकट मिली, एक मिनट हरीश जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। दिल से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये लगा कि एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो शायद अब शब्दों पर पकड़ होगी, ऐसे मामलों से बचेंगे। लेकिन फिर भी वही गलती, देखो इससे तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि ये गलत है जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, और आपकी पार्टी के नेता भी मान रहे हैं, लेकिन जी फिर भी क्यों समझा, क्यों नहीं पा रहे हैं आपकी पार्टी और आप लोग? जैसे वो सांसद चुन के आई, सांसद वहां भोपाल की जनता ने चुना, हमने उनको टिकट दिया, जब टिकट दिया उसके बाद में उन्होंने अपना बयान दिया था, उसके बाद में उनको ये कड़ा चेतावनी दी गई कि भाई आप इस तरीके से बयान मत दीजिए, पार्टी विचारधारा सुन लीजिए। मैडम नहीं, ठीक है, वो नहीं मानी, उनकी गलती है ना, वो हमारी और पार्टी गलती नहीं है। अगर पार्टी मैं गलत करता हूँ, एक बार चेतावनी दे देगा पार्टी कि भाई आप ऐसे गलत बयानबाजी मत करिए, लेकिन अगर मैं नहीं मानूंगा तो दोबारा पार्टी जो एक्शन लेना वो लेगी एक्शन। देखिए पार्टी बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सवाल यही है, सभी के मुंह पे यही सवाल है कि एक्शन लिया जाएगा, कब बड़ा एक्शन लेंगे मैडम? ये तो सब मैं कह रहा हूँ इमीडिएट। आप ये सोच लीजिए आजम खान ने क्या बयान दिया था और उनको ऊपर एक्शन क्या हुआ, तो सोच लीजिए एक दिन के लिए, सुन लीजिए एक दिन के लिए बयान लगा था, किसी सांसद से पूछ लीजिए ना, पार्लियामेंट्री मीटिंग में आने के लिए मना कर दिया जाए, उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। चुना हुआ सांसद से पूछ लीजिए कि अगर पार्लियामेंट्री मीटिंग उसकी, समझ लीजिए धड़ल्ले से बेइज्जती हो गई। ये बेइज्जती हो गई कि अगर कोई मैं टीवी डिबेट में आ रहा हूं, मुझे बीच रास्ते में बोल दिया जाता है कि आप टीवी डिबेट में नहीं आएंगे, आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आप गलत बोलते हैं, बहुत ही बड़ी बेइज्जती होती है। ठीक है, उनको पार्लियामेंट्री बैठक से हटा दिया गया, उनको कि आप किसी बैठक में नहीं आएंगे, उनको कंसल्टेशन कमेटी से हटा दिया गया और अनुशासन समिति को बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा गया कि इनके खिलाफ, और चूंकि मामला एक लोकसभा स्पीकर के, चूंकि मामला लोकसभा के अंदर था, लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई से उस शब्द को हटा दिया, बाकी जो और एक्शन होगा वो एक्शन हो क्योंकि। लेकिन सर बार बार इस तरह से बयान देना, ये सिर्फ बापू का अपमान नहीं है, पार्टी का भी अपमान है और साथ ही पूरे देश का भी अपमान है। देखिए इस बयान से पार्टी बिल्कुल इंडोर्स नहीं करती, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या बोला, समझ में आ पाएगा साध्वी प्रज्ञा को? देखिए अब किसी दिल और दिमाग में क्या बोलता हूं, जब वो बार बार पार्टी का अपमान कर रही हैं, पीएम मोदी की बात को नहीं मान रही हैं, जिस स्वच्छता अभियान की बात वो करते हैं, आपने सुना होगा किस तरह से यहाँ पर जिक्र हुआ और उन्होंने भी कहा कि मैं सांसद हूँ, मैं ये सब चीजों के लिए नहीं बनी। स्वच्छता अभियान पे उन्होंने क्या बोला क्या नहीं, हमारी डिबेट की चर्चा कल के टॉपिक पे है। लेकिन उन्होंने देखिए, अगर उन्होंने गलत, देखिए उन्होंने, हम लोग बिल्कुल, अगर कहीं पे हम यहाँ पे ये डिबेट कर रहे हो, नहीं उन्होंने ऐसे बोला, हम तोड़ मरोड़ रहे हो बैठ के,
हम लोग बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कड़े शब्दों में, ऐसा नहीं कि हमें दुख नहीं है। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने की बात छोड़ी, उस विचारधारा पे अगर हम करते हैं तो भी हमारे लिए शर्मसार की बात होगी। वो सब कोई चर्चा यहाँ पे कोई नहीं कर रहा, हम उनके बयान को इंडोर्स कर रहे हैं या घुमा फिरा रहे हैं या हम दो दिन लगा रहे कंसल्टेशन कमेटी से हटाने में या उनको पार्लियामेंट्री मीटिंग से हटाने में, ये सारी चीजें। चलिए सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं और इसके लिए एक्शन लेंगे, एक्शन लिया भी गया है जो आप कह रहे हैं बाकी और जो आपके मुताबिक, लेकिन क्या हमारे मुताबिक नहीं, पूरे मीडिया डिबेट में क्या ये एक्शन से उनको समझ में आ पाएगा? और जो आपने राहुल जी की बात सुनी हो तो उनका कहना है कि जो यहाँ पर महात्मा गांधी की विचारधारा की बात कही जा रही है सिर्फ इसका इस्तेमाल हो रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, क्या ऐसा ही है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं। देखिए राहुल जी ने जो बात यहाँ पे कही, मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि ठीक है, गांधी जी की विचारधारा को लोगों को फॉलो करना चाहिए और हम लोग प्रयासरत हैं। और मुझे ये लगता है सिर्फ बीजेपी नहीं, जितने दल हैं, तो सर इस विचारधारा को अपनाकर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, जो प्रॉपर प्रक्रिया आप लोगों की ऐसा होता है कि प्रॉपर प्रक्रिया अनुशासन समिति को भेजा गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री मीटिंग से हटाना ही बहुत बड़ी बात होती है, उनको कंसल्टेशन कमेटी से हटाना बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात होती है। मैं कह रहा हूँ पार्टी से एक अनुशासन समिति होती है, अनुशासन समिति उस पर एक्शन ले रही है। अब क्या है मेरे टीम, चलिए वाइंड अप का वक्त हो गया है। मैं हरीश जी, खोट है इनका एक बहुत गांधी जी को बड़ा मान रहे हैं ना, बहुत बड़ा वर्ग नाथूराम गोडसे का समर्थक है, पार्टी जो है कहीं ना कहीं बस एक मुद्दा मिल जाना चाहिए, राजनीति का समर्थक है सरदार पटेल को राष्ट्रपति बना दिया था, गांधी के सरदार पटेल ने तो मेरी बैठक में कहा था, ये लोग नाथूराम गोडसे की बैठक को जांच कर लीजिए, बहुत बड़ा वर्ग नाथूराम गोडसे का समर्थक है, इसलिए ऐसे लोगों को हटाना इनके बस की बात नहीं है। आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसे लोगों को हटाना पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, दरअसल इनका एक बहुत बड़ा वर्ग जो नाथूराम गोडसे का समर्थक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल का जवाब लेने की कोशिश हुई लेकिन जवाब तो पूरी तरीके से ठीक नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमने एक्शन लिया है, आगे और बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि जब विचारधारा लगे तो पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन इसमें तमाम पार्टियों को ही आत्मपंथन करने की जरूरत है बजाय राजनीति के। इसी के साथ इस डिबेट में बस इतना ही, आप देखते रहिए R9 TV। Yeah.